नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपने किसी कंपनी किसी बैंक से अगर लोन लिया है और आप कंपनी बैंक का डिफॉल्टर बन गए हैं और कंपनी और बैंक ने आपके पास लीगल नोटिस भेज दिया है, तो लीगल नोटिस रिसीव हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, लीगल नोटिस का क्या मतलब है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास लीगल नोटिस कब आता है। दोस्तों, जब भी आप कंपनी और बैंक का पैसा पे नहीं करते हो तो कंपनी और बैंक सबसे पहले आपके पास कॉल करेगी, आपसे प्यार से बात करके बोलेगी कि सर आप मेरा पैसा पे कर दो, नहीं तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। अगर दोस्तों आप कंपनी और बैंक का पैसा अगर पे नहीं करते हो, अगर आप उनकी कॉल को इग्नोर कर देते हो, जो कंपनी जो बैंक अगर जन तरीके से काम करती है, जो RBI के अंडर में रहकर काम करती है, तो कभी भी आपके नंबर को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेगी, खुद और लीगल तरीके से आपके पास हैंडल करेगी। बट दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लीगल तरीके से काम करती हैं और अंडर ही अंडर कुछ ऐसा रूल अपना के पैसा वसूल करने वाला सिस्टम अपनाती है कि कस्टमर डर के पैसा उनका दे दे। बट दोस्तों यहां पे सवाल ये आ गया है कि आपके पास लीगल नोटिस कब आता है। तो कंपनी और बैंक सारे रूल और नियम को अपना लेंगे, आपके पास कॉल करके थर्ड पार्टी से कॉल करवा के सब कुछ कर लेंगे। अगर आप उनका पैसा पे नहीं करते हो तो कंपनी आपके ईमेल आईडी पे या तो आपके होम एड्रेस पर एक लीगल नोटिस भेजेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लीगल नोटिस रिसीव हो जाने के बाद डर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लीगल नोटिस का मतलब होता है कि आपको लेटर जारी किया गया है, आप उस चीज को पढ़ के आप उसका मान्य करो और उस चीज को जो उसमें लिखा है उसका पालन करते हुए उसका समाधान करो, क्या इसमें ये चीज कर रहे हैं। दोस्तों लीगल नोटिस में अगर आपका अमाउंट पेंडिंग है तो आपको उसमें 10 से लेकर 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने टाइम का लिखा रहेगा कि आप इतने टाइम तक आप जो है पेमेंट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर ये एक्शन कंपनी या बैंक ले सकती है। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ चाइनीज ऐप थी, कुछ मोबाइल ऐप कंपनियां थी जो आपके पास फर्जी लीगल नोटिस भेज के आपको डराती है, धमकाती है, वो रियल नहीं होता है और एक बार नहीं वो बार बार भेजती है आपको डराने के लिए। बट दोस्तों अगर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आता है तो आपको उससे पहले डरना नहीं है ना टेंशन लेना है। आपको दोस्तों एक किसी भी अपने अच्छे से वकील को पकड़ना है और उनके पास जाके आपको सारी सच्चाई बताना है और दोस्तों आप उनको वो लीगल नोटिस दिखा देना। दोस्तों मेरा एक बात एडवांस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी डॉक्टर और वकील से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में छिपाओगे तो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, और अगर आप वकील से सच्चाई नहीं बताओगे तो वकील आपका केस नहीं लड़ पाएगा। तो लाइफ में एक दो गलती कभी मत करना दोस्तों, अगर आप किस्म ऐसा कोई मैटर होता है। पर तो अगर आपके अगर वकील से अगर आप मिल लेते हो तो उस लीगल नोटिस को दिखाने के बाद आपका जो वकील है अगर वो बताता है कि ये रियल लीगल नोटिस है, अगर ये जेन्युइन है, तो आप उनसे सलाह मशवरा लेके क्या करना चाहिए वो आपको उपाय बताएंगे। बट दोस्तों आप लोग ध्यान देना, करीबन दोस्तों 75% ऐसे कंपनियां होती हैं जो आपको फर्जी लीगल नोटिस भेज के आपको डराती हैं। उसमें जो है सब कुछ स्टाम्प लगा हुआ रहेगा, सब कुछ रहेगा दोस्तों, आप उसको पढ़ के डर जाते हो। बट दोस्तों कम से ना कम 25% दोस्तों, मैं लोन की बात कर रहा हूँ कि जो लोन कंपनी होती है वो आपको 25% ही रियल लीगल नोटिस भेजती है। बाकी काफी ऐसे मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फर्जी काम करती है अपना पैसा लेने के लिए। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आप वकील सलाह लीजिए दोस्तों, आपका वकील पूरा हेल्प करेगा और आप डरना मत। दोस्तों अगर आपका रियल लीगल नोटिस निकल गया, अगर वकील आपको बताता है तो आपको क्या करना है, जो वकील आपको सलाह देगा उसके आधार पे आप काम करना। और दोस्तों अगर आप लीगल नोटिस आपका रियल है और आप वकील के पास नहीं जाते हो, आप उसका अपमान करते हो और कोई जवाब नहीं देते हो, और अगर वो लीगल नोटिस अगर रियल है दोस्तों, अगर फर्जी नहीं है, तो दोस्तों आपके पास कोर्ट से भी नोटिस आ सकता है। दोस्तों कंपनी अगर आपको रियल लीगल नोटिस भेजती है दोस्तों, तो वो कंपनी आपके पास कोर्ट से भी नोटिस भेज सकती है। अगर दोस्तों कोर्ट से नोटिस आता है, अगर आप फिर भी हाजिर नहीं होते हो या उसका रिप्लाई नहीं करते हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों कोर्ट से जो है दंड भी मिल सकता है और आपको पुलिस पकड़ भी सकती है और आप पर केस भी हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ऐसा कभी मैटर आता है तो आपको सबसे पहले वकील से ही मिलना है। बट दोस्तों ऐसा काम करो कि आपके पास कोई भी ऐसा लीगल नोटिस ना आए, आपको कानून के चक्कर में ना पड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये सब करने से
नुकसान तो आपका ही होगा कि दोस्तों इसमें दौड़ने में करने में आपका एक खर्च जाएगा। मगर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं, कभी लाइफ में आप अगर लोन लेना दोस्तों, तो अगर आपके पास पैसों की बंदोबस्त है दोस्तों, तो आप पैसा दोस्तों टाइमली पेमेंट करना। अगर दोस्तों जो कंपनी फ्रॉड करती है, 420 करती है दोस्तों, तो आप उनसे कभी मत डरना, क्योंकि फ्रॉड कंपनियां कभी भी आपको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि वो कंपनियां हमेशा आपको हाई इंटरेस्ट पर लोन देती हैं और आपको दराड़ हमर के पैसा लेना चाहती है, बट आपको कभी कोर्ट में लेकर नहीं, क्योंकि जो वो कंपनी खुद ही आपसे संग गलत की है, पहले से आपके संग अधिक हाई इंटरेस्ट लगा के लोन दी है और 420 खुद पहले से की है, तो खुद डरती है वो कंपनी के मैं क्या प्रूफ करूंगा। और जो कंपनी जो बैंक अगर लीगल तरीके से काम करते हैं, कभी भी आपको थर्ड पार्टी के थ्रू आपको हैरेसमेंट नहीं करवाएंगे, जो भी वो काम करेंगे रियल तरीके से करेंगे और अपना पैसा लेना चाहेंगे। बरसों मैं आपको ये सलाह दूंगा, कभी लाइफ में ऐसी गलती मत करना, टाइमली लोन पेमेंट करना दोस्तों, और अगर पैसे नहीं है दोस्तों तो आप उस पैसे को बाद में पे करने की बात करना। बट दोस्तों किसी का पैसा बेमानी करना गलत है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। बट दोस्तों आप कभी ये मत सोचना कि मैं पैसा खा के बच जाऊंगा या कुछ नहीं कर मेरा कंपनी या बैंक कर पाएगी। तो देखिए क्या होता है कि छोटे मोटे लोन के ऊपर कभी भी कंपनी और बैंक एक्शन नहीं लेती है, सिर्फ सिविल स्कोर खराब करती है। बट दोस्तों जो अगर आपका अमाउंट अगर दोस्तों बड़ा है, तो उस हाल में दोस्तों आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बट दोस्तों आप एक बात समझ लेना कि छोटे अमाउंट पे कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता है, हमेशा बड़े अमाउंट पे होता है। 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख का अमाउंट है तो इसमें दोस्तों आपके पास सिर्फ लीगल नोटिस आता है, कोर्ट नोटिस बहुत कम भेजती है कंपनियां आपको ऐसे डराती पैसा आप मेरा पे कर दो। बट दोस्तों कभी भी आपके पास अगर लीगल नोटिस आता है दोस्तों, तो आप दोस्तों गलती से भी आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, डरना मत कि ये गलत है। कुछ लोग दोस्तों ऐसा गलत काम कर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, बट दोस्तों आपको डरना नहीं है। लीगल नोटिस एक प्रकार का आपका एक लेटर है दोस्तों, आपको सिर्फ अलर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं होता दोस्तों। बाकी आपको मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया समझाया, फिर भी अगर आपको किसी कंपनी से अगर लीगल नोटिस आया है, अगर वो जेन्युइन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी आपकी सपोर्ट करूंगा। और आपके मन में कोई भी सवाल तो मुझे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।